दो बार डिफरेंशिएट करना है, इट मींस वी आर गोइंग टू फाइंड द बी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर इन ईच प्रॉब्लम इन दिस एक्सरसाइज. सो सी हियर वी पिक अ क्वेश्चन नंबर 7. सी हियर योर क्वेश्चन नंबर 7 इज हियर एज वाई इक्वल टू प्ले सपोज वी आर ई टू द पावर 6x इनटू cos 3x. ये प्रोडक्ट का टू फंक्शन पर डिपेंड है. UV का फार्मूला हमने अप्लाई किया. सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy / dx इज इक्वल टू यहां मेरे पास फंक्शन लिखा dy / dx आपका सेकंड फंक्शन हो गया प्लस आपका सेकंड फंक्शन हो गया और dy / dx आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया. यहां पर हमने cos 3x का डिफरेंशिएट किया, ये आपका माइनस 3 sin 3x क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है इसलिए यहां पर हमने 3 लिख दिया. इट मींस वी अप्लाई द फार्मूला एज हियर dy / dx cos ax इट इज इक्वल टू माइनस a sin ax या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हमने किया. सिमिलरली जो है x का कोफिशिएंट 6 है तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो गया आपका 6 e टू द पावर 6x हो गया और cos 3x हमने जरूरत है आपका देश e टू द पावर 6x हमने कॉमन लिया और ये आपका जो ब्रैकेट के अंदर बना माइनस 3 sin 3x प्लस आपका 6 cos 3x e टू द पावर 6x. अब आपको टू फाइंड करना है d स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर. सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट d स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया d / dx ऑफ सेकंड फंक्शन हो गया प्लस आपका सेकंड फंक्शन और d / dx ऑफ आपका फर्स्ट फंक्शन आपका दिस योर नेक्स्ट स्टेप e टू द पावर 6x. हमने इसका डिफरेंशिएट किया sin 3x का तो ये 3 फिर अगेन यहां पर ट्रिपल हो जाएगा. सो 3 3 जा 9 cos 3x बना आपका एंड 6 3 जा है 10 sin 3x. नेक्स्ट ये e टू द पावर 6x का हमने डिफरेंशिएट किया तो 6 e टू द पावर 6x हो गया एंड इन ब्रैकेट माइनस 3 sin 3x प्लस 6 cos 3x आपका जो का क्या होगा. होल स्टेप में हमने क्या किया e टू द पावर 6x हमने कॉमन ले लिया फिर आपका ब्रैकेट में 9 माइनस में 9 cos 3x हुआ माइनस 18 sin 3x हुआ 6 3 जा 18 माइनस 18 sin 3x प्लस 36 cos 3x एंड आफ्टर कैलकुलेट वी गेट e टू द पावर 6x 27 cos 3x माइनस 36 sin 3x. इन दोनों में हमने क्या किया 9 कॉमन ले लिया तो ये 9 e टू द पावर 6x हो गया एंड इन ब्रैकेट 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x इट इज योर आंसर. नाउ वी टेकिंग क्वेश्चन 11. सो सी हियर योर 11 क्वेश्चन इज हियर इफ y इक्वल टू 5 cos 3x माइनस 3 sin 3x देन लुक टू d स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0. नाउ आपको लेट y एज गिवन y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x we get dy by dx is equal to आपका 5 divided by dx cos x minus 3 divided by dx sin x. The differentiations of cos x आपका minus sin x होता है. हमने यहाँ पर minus 5 sin x लिखा फिर आपका minus 3 cos x. Again differentiate with respect to x d square y divided by dx square is equal to minus 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया और cos x का माइनस हो गया. सो माइनस माइनस प्लस 3 sin x. अब यदि यहां आप माइनस कॉमन ले लेते हैं दैट 5
हमने क्या किया एज वी हैव y इक्वल टू cos इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy / dx इक्वल टू dy / dx cos इनवर्स x। अब सी हियर जैसा हमने कहा y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो हमने y के टर्म्स में d स्क्वायर / dx स्क्वायर जब ऑब्टेन करना है हमको तो हमने क्या किया बोथ साइड का मल्टीप्लाई कर दिया टर्म रिटेन है cos y / dx ये जैसे आपका हो गया। आफ्टर दिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स वी गेट d / dx cos y इक्वल टू d / dx * x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ x इक्वल टू y cos y y का फंक्शन है सो d / cos y / dy / dx हो गया cos y का माइनस sin y * dy / dx इक्वल टू आपका 1 हो गया। आफ्टर दिस dy / dx इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin y इट इज इक्वल टू माइनस cos y इन योर फर्स्ट इक्वेशन। आगे ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy / dx माइनस डिवाइड x cos y एंड आफ्टर दिस योर नेक्स्ट d स्क्वायर / dx स्क्वायर द डिफरेंशिएशन ऑफ cos y विद रिस्पेक्ट टू y आप करेंगे तो माइनस cos y और cos y डॉट dy / dx आपको करना पड़ा। dy / dx की वैल्यू आपने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दिया यहां तो माइनस cos y आपने पुट किया माइनस माइनस आपका प्लस हो गया और ये cos स्क्वायर y y को हमने प्लस साइड